बगैर क्या पूरा मसला है, अभी तक क्या छानबीन हुई है, बच्चों की कुछ जानकारी मिल पाई अभी तक? ये थाना क्षेत्र मऊ दरवाजा में हैबतपुर गड़ैया जो गांव है उसमें आश्राम कॉलोनी है, तो उसमें शबनम जी हैं, इनके जो बच्चे थे, बेटी थी मेरी सफीना करके 10 वर्ष की और एक छोटा बेटा है नियाजी, ये दोनों बच्चे की गायबनी की सूचना उनकी मदर ने कल थाने पर दी, जिसमें अभी पंजीकृत किया गया है 363 IPC में। और उसी के परिप्रेक्ष्य में रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई थाने पर, उसे तत्काल के अभी पंजीकृत कर लिया गया था, तो टीम रवाना की थी, 3-4 टीमें थी, रात में ही रवाना की गई वहाँ मौके पर जहाँ उनका घर है वहाँ पे देखा गया बच्चों को, और लॉग स्क्वाड के माध्यम से भी वहाँ आसपास के इलाके में छानबीन की है, और 2-3 थाना क्षेत्र की फोर्स लगा के CCTV के माध्यम से पता लगाया जा रहा है कि बच्चे कहाँ हैं, जो भी उनका मूवमेंट ट्रैक हुआ है उस पर कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया कोई उनका कोई मामला या कोई पुरानी कोई रंजिश वगैरह तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई सूचना ना मदर की तरफ से थी, और मदर जो थी उनकी वर्क करती थी, अकेले ही हस्बैंड उनके एक्सपायर हो गए, तो ये बच्चे घर पे रहते थे, बच्चे खेलने के बाहर निकले या जिस तरीके से निकले हैं, तो उसके बाद ये बच्चे वापस नहीं आए, तो जहाँ जहाँ जो भी नींद खुली है CCTV में उस हिसाब से। सर, जैसे मदर ने अपन का आरोप लगाया कि अपन हुआ है, अभी कोई जो CCTV फुटेज में या अन्य जानकारी में स्पष्ट ये ऐसा कोई व्यक्ति का नहीं आ रहा है किसी ने किया है, लेकिन आगे अगर कोई ऐसी बात आएगी तो जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। बच्चे घर से कब निकले थे? बच्चे जो है सुबह के निकले थे। कहाँ के लिए निकले थे? ये नहीं पता कहाँ के लिए निकले, लेकिन जो है सब ये बता रहे कि नानी घर जाएगी। पुलिस को तहरीर दी? हाँ, शाम को जब हम काम पर थे लौट के आए, तब हमने थोड़ा पास में देखा, इधर उधर देखा, फिर उसके बाद में जो है फिर हम इन्फॉर्म हमने फिर अप्लीकेशन जो है रात को थाने में दी, रोज रात ही से इंक्वायरी चालू। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं UP76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बीते 24 घंटे से लापता मासूम भाई बहन, पुलिस लगी जांच पड़ताल में। काशीराम कॉलोनी से 2 मासूम बच्चे गायब, मां का रो रोकर बुरा हाल। बिन बाप के बच्चों को तलाशने में पुलिस ने लगाया पूरा जोर। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें UP76 न्यूज। बीते लगभग 24 घंटों में घर से गायब हुए मासूम भाई बहन की पुलिस ने गुमशुदगी की जांच तेज कर दी है। पुलिस हर प्रकार के हथकंडे आजमाकर बच्चों को तलाशने में लगी है, और ये खबर है हमारे संवाददाता कुलदीप बाथम की। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी हैवतपुर गड़िया निवासी शबनम के पति रहीस की मृत्यु 5 वर्ष पूर्व हो गई थी। उसके 1 10 वर्ष की पुत्री सबीना बा, 4 वर्ष का पुत्र नियाजी है। शबनम पति की मृत्यु के बाद परिवार का पेट पालने के लिए कोल्ड स्टोर में आलू बीनने का कार्य करती है, और वह रोज की तरह अपनी मजदूरी करने गई थी, जिसके बाद दोनों मासूम भाई बहन कहीं गायब हो गए। जब शबनम मजदूरी करके वापस आई तो देखा दोनों बच्चे गायब हैं। शबनम ने काफी खोजबीन की परंतु कोई पता नहीं चला। तब इसकी सूचना शबनम ने तहरीर लिखकर पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुधवार को सुबह थाना अध्यक्ष अजय नारायण, स्वाट टीम व बीबीगंज चौकी इंचार्ज शिव शंकर तिवारी आदि जांच में जुट गए। पुलिस ने कॉलोनी से लेकर लाल दरवाजे तक CCTV के माध्यम से बच्चों को तलाशने का प्रयास किया। चौक पर लगे एक दुकान के CCTV में शबनम का पुत्र एक बालिका के साथ ई रिक्शा में जाता हुआ दिखा, जिस पर पुलिस ने लाल दरवाजे पर पिकेट में लगे पुलिस कर्मियों से जांच पड़ताल की। लाल दरवाजे पर लगे PRB 112 में लगे दरोगा ने बच्चों को देखे जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि बच्चे एक ई रिक्शा से आए थे और लाल दरवाजे के निकट उतर गए। जब उनसे जानकारी की तब बच्चों ने बताया कि उनकी माँ कोल्ड में काम करती है, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस CCTV के सहारे बच्चों तक पहुंचने का भरकस प्रयास कर रही है। वहीं उनकी मां शबनम का रो रो कर बुरा हाल है। कॉलोनी निवासी बच्चों को सही सलामत घर वापसी की दुआएं मांग रहे हैं, और पास पड़ोसी शबनम को धैर्य बना रहे हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें UP76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में, किसी और समस्या को लेकर, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।